नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका M&M के नए ब्लॉग में, इस साल के सबसे पहले ब्लॉग में। अगेन सॉरी टू मेक यू वेट, लेकिन ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग के एंड में मैं एक चीज़ रिवील करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस ब्लॉग को पूरा देखिए। ओके, और एक बात, अगर आपको लग रहा है ये बियर्ड थोड़ी बड़ी है, इसके पीछे एक वजह है दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो एक्स बियर्ड ट्रिमर था वो ख़राब हो गया है, और इसीलिए आप ये देख रहे हो मेरी जो बियर्ड है वो मैं ट्रिम नहीं कर पाया, मैं इतनी बड़ी नहीं रखता। ओके, सो अभी इसी वक्त हम ऑनलाइन अमेज़ॉन पे चेक करने वाले हैं कि कौन सा एक अच्छा बियर्ड ट्रिमर हमें मिल सकता है, बिकॉज आई कांट स्टे विद दिस। गाइस, माय एक्स ट्रिमर लेफ्ट मी, but we are gonna buy a new trimmer, okay? We are going right now. Dosto, we are done ordering a new trimmer, okay? Hope so, jaldi wo trimmer aa jayega aur main use unbox karke aapko dikhaunga. Aur ek baat jo main aapke sath share karna chahta hu, and that is yahan se leke kuch 1 ya 2 weeks pehle I felt a little pain in my knee, okay? While running. अभी एक वीक हो चुका है, फिर भी वो soreness अभी तक मुझे feel हो रहा है. I can still feel the pain. वो pain feel होने के बावजूद मैं अपना workout करता रहा. मैंने वो rest नहीं ली जो उसे ज़रूरत थी, जो मेरे leg को ज़रूरत थी, जो मेरे knee को ज़रूरत थी, वो rest मैंने उसे नहीं दी. अगेन आप ये गलती मत करना कभी भी, अगर आपको लगे कि आपको जो सोरनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है, ओके, वर्कआउट करते वक्त, नेक्स्ट वर्कआउट करते वक्त आपको वो फील नहीं होगा वो सोरनेस, लेकिन उसके तुरंत बाद यू स्टार्ट फीलिंग इट। ओके, सो इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ मसल सोरनेस और पेन, लेट इट रिकवर। अच्छी नींद लो, अच्छा डाइट लो, और उससे पहले रिकवर होने दो, क्योंकि हम फिटनेस को थोड़े लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप एक दो दिन रेस्ट ले रहे हो, डोंट फील बैड अबाउट इट। फिटनेस को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो, बस आपको आपका पर्सपेक्टिव बदलना है, दैट्स इट। इमेजिन हम सब वर्कआउट करते हैं सब, लेकिन सबकी फिजीक एक जैसी डेवलप नहीं होती, दैट्स राइट। ओके, एक फैक्टर है दैट इज जेनेटिक्स, बट द नेक्स्ट फैक्टर कम्स इज द राइट न्यूट्रिशन। आपको मार्केट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मे बी दे आर हेल्दी, मे बी दे आर नॉट। ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो टेस्टी तो है बट हेल्दी नहीं है, तो आपको आइदर हेल्थ मिल रही है या इधर आपको टेस्ट मिल रहा है। एंड टू फिल अप दिस वॉइड ऑफ चूजिंग इन बिटवीन हेल्थ एंड टेस्ट, मैंने सोचा कि इस वॉइड को ही ख़त्म कर दे, इस एम्प्टीनेस को ही ख़त्म कर दे। हमें आइदर हेल्थ को चुनना है या इधर हमें टेस्ट को चुनना है, वी कैन चूज बोथ। Yes, और इसीलिए मैंने सोचा कि वी आर गोना स्टार्ट अ प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड। इसका ही सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपको देखने मिलने वाला है, दैट इज एन एनर्जी बार, जो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देगा, ओके, और वो राइट न्यूट्रिशन देगा जो वर्कआउट के बाद आपके बॉडी को हील करने में, रिकवर करने में आपकी मदद भी करेगा। दोस्तों राइट नाउ I have not decided the packaging, neither I have decided the size of the bar. Okay, the size does matters. फिलहाल तो मुझे बस मार्केट में एक void दिखा, the void of not having a good supplement brand, और इसीलिए I'm starting it. Okay, और मुझे आपका एक honest review चाहिए उस bar के ऊपर, इसीलिए I request you कि हमारा first launch जल्दी होने वाला है, ओके, डेट आपको यहीं पे दिखाई देगी। अगेन मेक श्योर यू बाय वन ऑफ आवर बार्स, ओके, और आप मुझे आपका एक ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए कि आपको बार कैसा लगा। गाइस, ये PR बार्स का ऑफिशियल इंस्टा हैंडल है, आप यहाँ DM कर सकते हो टू बाय द बार्स।